भाई इतनी गर्मी हो रही है राजस्थान में, तो इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी आप अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों पर, खुद पर भी डाल सकते हैं। क्या आपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा, पेड़ कितने सारे काट दिए सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर। वहीं और भी कई चीजें हैं, ग्लोबल वार्मिंग की चीजें हैं, तो वहीं सूर्य देवता भी तेजी से तप रहे हैं, इस कारण भी गर्मी बताई जाती है। लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की नजरों में हीट वेव और राजस्थान में बढ़ रही गर्मी का एक मुख्य कारण भी है, और मुख्य कारण उनका ही मुख्य विपक्षी दल है, उनके प्रतिद्वंदी हैं इस लोकसभा चुनाव में, जो है कांग्रेस पार्टी। जी हां, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर यूं तो अपने बयानों को लेकर, भाषणों को लेकर, फैसलों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं, दावों को लेकर चर्चा में रहते हैं, जहां उन्होंने कुछ दिन पहले दावा किया था कि जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा दोनों तिहाड़ जेल जाएंगे, वहां अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात होगी, उन दोनों को भी जेल हो जाएगी। इस प्रकार का बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया। फिर उनके कुछ ऐसे फैसले भी हैं जो बड़े ही सराहनीय हैं। स्कूली शिक्षा सुधरती हुई, वो एक उनका सराहनीय जो काम चल रहा है वो। स्कूल में गुटखा बैन जैसी उन्होंने चीजें की, वो भी एक सराहनीय फैसला है। अभी स्कूलों में उन्होंने टाइमिंग कुछ बदलाव कर दिया है, जो तप रही है धूप उसके चलते, ये भी एक सराहनीय फैसला है। लेकिन उनके बयान, कुछ बयानों को बड़ा ही उलझुलूल माना जाता है। तो अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि हीटवेव का एक कारण कांग्रेस पार्टी भी है। जी हाँ, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि हीटवेव का एक कारण कांग्रेस पार्टी भी है। अब इसके ज्यादा डिटेल में जाने से अच्छा है कि आप खुद ही सुनिए कि शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। एक कुकर्मों का परिणाम है, यदि 5 साल तक की वनों को नहीं कटने देते, पेड़ लगाने वालों को प्रोत्साहित करते, ये बड़े बड़े रिश्वत लेकर के वन विभाग को उजड़ने नहीं देते, धन कमाया है, उसी प्रकार से जंगलों को काट काट कर भी इन्होंने मानवता को खतरा पैदा किया है, और मानवता को खतरा पैदा करने वाले से बड़ा दुष्ट कोई नहीं हो सकता। अब शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद अलग अलग तर्क लगाना लोगों ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी तो फिर से वही काम, हमलावर होना शुरू हो चुका है उनका मदन दिलावर के ऊपर, कि किस प्रकार के बयान शिक्षा मंत्री देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कोई राय रखते हैं शिक्षा मंत्री के इस बयान पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं आकाश ले रहा हूँ अलविदा। जल्द ही हम एक नए वीडियो में मिलेंगे। देखते रहिए राजस्थान चौक।